लिखते हैं 10 नंबर, कह रहा है कि x का पावर माइनस 2 इक्वल टू में है 64, देन x का पावर 1 बाई 3 एंड x का पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए x का पावर माइनस 2 इक्वल टू में 64 दिया है, तो एक काम करिए x का पावर माइनस 2 इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग एक काम कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 64 को यहाँ लिख दें, यहाँ 8 का स्क्वायर, अच्छा हम लोग x का पावर माइनस 1 का पावर 2 इक्वल टू में लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स का पावर माइनस वन इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू 8, यानी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 8, ये इधर चला गया इधर आ गया, एक्स का वैल्यू 1 बाई 8 आ गया। हमें निकालना है वैल्यू आपको एक्स का पावर 1 बाई 3 प्लस एक्स का पावर 0 का, तो एक्स का पावर 1 बाई 3 यानी कि आपका हो जाएगा 1 बाई 8 का पावर 1 बाई 3 और प्लस एक्स का पावर 0 1 होता है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 का क्यूब और इनटू में पावर में 1 बाई 3 है और प्लस 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बाई 2 और प्लस का 1 यानी ये 3 बाई 2 हो जाएगा, तो 3 बाई 2 ऑप्शन में देखिए सी नंबर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हेन सिंपलीफाई